एक एम्प्लॉय का बॉस के हस्बैंड के साथ अफेयर हो जाता है। इन दोनों ने एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश की, पर ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैशन 2012 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें अलग अलग टर्न्स आते हैं और इसकी एंडिंग भी बहुत ही ट्विस्टेड है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर्स क्रिस्टीन और इजाबेला को देख सकते हैं। ये दोनों मिलकर एक एड पर काम कर रहे थे। एक एड एजेंसी में क्रिस्टीना इजाबेल की बॉस है। जिस एड पर ये वर्क कर रहे थे ये दोनों को पसंद नहीं आई। काम करते हुए थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। जब क्रिस्टीन का हस्बैंड डर किया है तो इजाबेला यहाँ से चली जाती है। जाने से पहले क्रिस्टीन ने इजाबेल को उसका स्कार्फ गिफ्ट किया। बाहर बहुत ही ठंड थी और उसके लिए केयर करती थी। रात में सोते वक्त इजाबेल को और एक एड का आइडिया आया। वो अपने असिस्टेंट को घर पर बुलाती है और इस एड को शूट कर लेते हैं। अगले दिन ये एडवर्टाइजमेंट वो क्रिस्टीन को दिखाती है। क्रिस्टीन को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एक्चुअल में क्रिस्टीन जाकर लंदन में इसका प्रेजेंटेशन देने वाली थी, पर वो कहती है कि अब तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, तो इजाबेला को भेजने वाली थी। इजाबेला भी इसके लिए एक्साइटेड हो जाती है। जब अपने क्लाइंट से मिली तो क्लाइंट को भी बहुत ही अच्छा लगा था। इजाबेला की असिस्टेंट डानी उसे बहुत पसंद करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आज इनका प्रेजेंटेशन जल्दी हो गया था तो कहती है कि हम डिनर के लिए जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, पर इजाबेला ने उसे मना कर दिया। इजाबेला कहाँ पर जाती है इस पर डानी ने नजर रखी, तो रानी नोटिस करती है इजाबेला डग से मिल रही थी जो कि क्रिस्टीन का हस्बैंड है। उन दोनों में अफेयर चल रहा था। रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होते वक्त डग ने एक वीडियो भी शूट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला फिर से क्रिस्टीन के पास आ चुकी है। क्लाइंट के साथ इन तीनों की मीटिंग चल रही थी। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो जिसने एड क्रिएट किया है उसे न्यूयॉर्क में जाने का चांस मिलेगा। इनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग बहुत ही अच्छी होती है, पर क्रिस्टीन ने इस एडवर्टाइजमेंट का पूरा क्रेडिट ले लिया। उसने इजाबेला के बारे में कुछ भी बात ही नहीं की। इजाबेला उसे पूछती है तुमने ये क्यों किया। क्रिस्टीन ने कहा कि एक गेम होता है, इसमें आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको ले लेनी चाहिए। आपको इसी तरीके से लोगों का पोटेंशियल यूज करना पड़ता है, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, फाइनली हमारी टीम जीत चुकी है, ये एक टीम वर्क है। इजाबेला इस बात से अपसेट तो थी, पर इस बात को जाने देती है। जब डानी को पता चला कि हुआ क्या है तो न्यू एड लेकर वो इजाबेला के पास आए। वो कहती है उन लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं कि तुम्हारा विजन क्या था, सारी चीजें वो चेंज कर रहे हैं। इस बात को भी इजाबेला इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज रात इजाबेला और क्रिस्टीन ये दोनों एक फैशन शो में आए हुए थे। इजाबेला को एक शूज बहुत पसंद आया जो क्रिस्टीन उसके लिए बाय कर लेती है। अब इसके बाद ये दोनों पार्टी में जा रहे थे। क्रिस्टीना कहती है तुम मुझे अपनी आप की याद दिलाती हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, इसके बाद मेहनत कर मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ। पार्टी पर पहुंचने के बाद क्रिस्टीना इजाबेल को एक क्लाइंट से बात करने के लिए कहती है। उसने कहा कि अगर इस क्लाइंट को तुम कन्वर्ट कर पाओ तो इसका अकाउंट मैं तुम्हें दे दूंगी। ये इजाबेल के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इस पार्टी में क्रिस्टीन को एक आदमी ने अप्रोच किया। वो आदमी बहुत ही ड्रंक था और पास्ट में क्रिस्टीन और उसमें अफेयर था, इस वजह से वो आज रात भी उसे मिलना चाहता था, पर क्रिस्टीन कहती है कि तुम ड्रंक हो, घर जाओ। ये सारी बात डर्क ने देखी थी। शायद यही रीजन है डर्क भी क्रिस्टीना पर चीट करता है। क्रिस्टीना जब घर पर चली गई तो डर्क और इजाबेल दोनों एक साथ घर पर जाते हैं। डर्क ने उसे कहा कि क्रिस्टीना जिस तरीके से लगती है उस तरीके से है नहीं, वो बहुत ही डेंजरस है, उसे लोगों के साथ खेल खेलना अच्छा लगता है। ऑफिस में मीटिंग खत्म हो जाने के बाद क्रिस्टीना इजाबेला को रोक लेती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे क्रेडिट चुरा लिया, क्या अब भी तुम उससे नाराज हो, प्लीज इस बात को जाने दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर इजाबेला शॉक हो गई। वो उसे आई लव यू नहीं कहती। क्रिस्टीना ने फिर उसे एक स्टोरी बताई। वो कहती है मैं जब छोटी थी तो मेरी एक ट्विन सिस्टर भी हुआ करती थी। हम दोनों के पास एक छोटी सी बाइसिकल थी। मेरी सिस्टर ये बहुत ही अच्छे से राइड करती थी और मैं हमेशा उसके पीछे रह जाती थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उसके आगे जाऊंगी। वो बहुत ही स्पीड में थी, पर अचानक से उसके सामने ट्रक आ गया। मेरी ट्विन सिस्टर ने मुझे बचाने के लिए मुझे आगे ढकल दिया और वो खुद इसके सामने आके उसकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहा। ये सब सुनकर इजाबेला क्रिस्टीन को आई लव यू कह देती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इजाबेला ने क्रिस्टीन को सहारा दिया। थोड़ी देर में यहाँ पर डर्क आया। क्रिस्टीन से बात करती है, कहती है तुमने कंपनी से जो भी पैसे चुराए ये सब कुछ तुम्हें अब वापस देने पड़ेंगे, हमारी न्यूयॉर्क की ब्रांच ऑडिट करी है और तुम पकड़े जाओगे। डर्क ने कहा कि मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक दो मंथ चाहिए, पर क्रिस्टीन इस बात के लिए मानने के लिए रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में इजाबेला को अपनी सेक्रेटरी से पता चला कि उसके एड बनने नहीं वाली है। उसमें क्रिस्टीन ने बहुत सारे चेंजेस किए, इस वजह से क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही थी। लिफ्ट में जब डर्क और इजाबेला मिले तो डर्क उससे कहता है कि शायद क्रिस्टीन को हमारे बारे में पता है, वो मुझसे बदला लेना चाहती है, अब हम दोनों कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते। यहाँ लिफ्ट में ही उससे वो ब्रेकअप कर लेता है। इन सारी बातों से इजाबेल को गुस्सा आ गया। जो एड उसने क्रिएट की थी इसे वो टेस्ट करना चाहती थी, तो डायरेक्टली यूट्यूब पर डाल देती है। रात में अपनी एजेंसी से उसे कॉल आया। सिर्फ 5 घंटे में उसके एड को 10 मिलियन व्यूज मिले थे। क्लाइंट इस बात से बहुत ही खुश था। नेक्स्ट डे इन सब की मीटिंग होती है। अब न्यूयॉर्क जाने के लिए क्रिस्टीन को छोड़कर वो इजाबेल को चूज करते हैं। इस बात से क्रिस्टीन को बुरा लगा। इजाबेल कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जैसे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसको पा लिया, ये सिर्फ बिजनेस है। डग आज इजाबेला को बहुत ही मिस कर रहा था। उसे कॉल करके क्रिस्टीन ने उसके साथ जो भी किया इसके बारे में सब कुछ उसे बता देता है। कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है।
इजाबेला ने कहा कि उसके बचपन में उसकी ट्विन सिस्टर के साथ जो भी हुआ था, इसी वजह से शायद वो इस तरीके से टफ है। डग कहता है उसकी कोई भी ट्विन सिस्टर नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सिंपथी पाने के लिए तुम्हें कोई भी स्टोरी बता रही थी। इजाबेला जब काम कर रही थी, क्रिस्टीना उसे वीडियो कॉल कर दिया। इसमें डग और इजाबेला जो इंटीमेट हो रहे थे, ये वीडियो इजाबेला को दिखा दिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, पार्किंग में अपनी गाड़ी को भी ठोक देती है। वो बहुत रोई। नेक्स्ट डे डैनी इजाबेला के पास आए। वो कहती है डग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे चुराए थे, शायद इसी वजह से वो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था। आज ऑफिस की एक पार्टी है, उसमें भी उसे वो इनवाइट कर लेती है। क्रिस्टीना ने सबसे कहा कि ऑफिस में काम करते वक्त लोग बहुत ही अजीब अजीब चीजें करते हैं। अलग अलग इम्प्लॉयज के सिक्योरिटी फुटेज वो दिखा रही थी, जैसे कि कुछ लोग क्लाइंट की मीटिंग के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी क्लिप्स इसमें थी। कल रात इजाबेला ने गुस्से में अपनी गाड़ी को ठोक दिया था, वो वही रोने लग गई थी। ये भी क्लिप उसने पूरे ऑफिस के सामने दिखाई। इजाबेला को एम्बेरस करना चाहती थी। वो डिस्टर्ब हो गई और थोड़ी सी ज्यादा स्लीपिंग पिल वो ले लेती है। अगले दिन क्रिस्टीना ने इजाबेला को अपने ऑफिस में बुलाया। वो कहती कि तुमने मुझे ऐसा कैसा ईमेल भेजा? इसमें लिखा है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे रिवेंज लूंगी। एक्चुअल में ईमेल क्रिस्टीना ने इजाबेला का कंप्यूटर से खुद लिखा था। अब वो उसे फायर करना चाहती थी। इजाबेला गुस्सा होकर क्रिस्टीना को किस कर लेती, कहती है तुम्हें तो यही चाहिए था। वो उसे हमेशा के लिए फंसाना चाहती थी। ये सब बात डैनी ने सुन ली। फिर क्रिस्टीना ने डैनी से बात की, कहती है तुम्हें अब रिजाइन करना पड़ेगा। डैनी कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्रिस्टीना कहती कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं कहूंगी कि तुमने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। मैं यहाँ की बॉस हूँ, सब लोग मेरी ही बात मानेंगे। डैनी इस बात से डिस्टर्ब होगी। आज रात क्रिस्टीना के यहाँ पर पार्टी थी और इजाबेला एक प्ले देखने के लिए गई। इस पार्टी में ड्रंक होकर डर्क वहां पर पहुंच जाता है, सबके सामने तमाशा खड़ा करने की कोशिश करता है। इस बात को क्रिस्टीन ने कंट्रोल कर लिया था। अचानक से क्रिस्टीन के घर पर कोई मास्क लगा कर आया और उसे वो मार देता है। रात में इजाबेला बहुत ही डर कर उठी। उसे लगा कि ये सब उसका सपना है, पर ये एक्चुअल में हुआ था। उसके डोर पर नॉक आई तो पुलिस की थी। पुलिस को लगता है कि इजाबेला ने सब कुछ किया है। मर्डर सीन पर उसका स्कार्फ उन्हें मिला था। आज रात इजाबेला ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ली थी, तो क्या बात कर रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस को सारे सबूत इजाबेला के खिलाफ ही लगते हैं। उसने उसे बहुत बार पूछा तो फाइनली इजाबेला इसके लिए हाँ कह देती है, क्या उसने मर्डर किया है। सब कुछ हो जाने के बाद जब उसे होश आया तो डायरेक्टली जेल में थी। अपने लॉयर को कॉल करती है, कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मेरा कन्फेशन आप सब लोग ले रहे थे तो मैं बिल्स पे थी, इस वजह से मैं कुछ भी बोल सकती थी। ये जाकर वे फिर से जज से बात करते हैं। क्रिस्टीना कहती कि मेरा स्कार्फ इस तरीके से फटा हुआ नहीं था, वो अब भी घर पर होगा। मैंने मर्डर नहीं किया है। पुलिस विवाद है। वो कहते हैं कि तुमने क्रिस्टीना को धमकी दी थी, इसका ईमेल उसके पास है। इजाबेला इस पर डेट दिखती है। उसने कहा कि इस डेट के बाद ही नेक्स्ट डे उसने मुझे बहुत ही जलील किया था। अगर आपने सब लोगों से बात की तो वो भी कहेंगे कि क्रिस्टीना मुझे बर्बाद करना चाहती थी। मैं सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, कहती है मुझे घर जाने दो, वहां पर मैं स्कार्फ ढूंढ लूंगी। फिर सब पुलिस वगैरह मिलकर फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्रिस्टीना उस रात बैले देखने के लिए गई हुई थी। वहां पर सीट की वजह से कुछ लोगों से उसका झगड़ा हुआ था। इस वजह से थिएटर के एक एम्प्लॉय को उसके बारे में पता था। इससे प्रूव होता है कि उस रात वो बैले देखने के लिए गई हुई थी। जब वो स्कार्फ ढूंढने के लिए गए तो इजाबेला स्कार्फ ढूंढने का बहुत कोशिश करती है पर ढूंढ नहीं पाती। यहाँ पर पुलिस को एक फाइल मिली जिससे पता चलता है कि डग ने कंपनी से पैसे चुराए थे। पुलिस इजाबेल से कहते हैं तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं, एक एविडेंस है डग ने क्रिस्टीन को मारा हो सकता है। इजाबेला ने कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, इस वजह से मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इजाबेला को फिर से जेल में डाल दिया गया था। उसकी सेक्रेटरी डैनी उसे मिलने के लिए आई। वो डैनी से कहती है मेरा स्कार्फ मेरे घर में ही है, प्लीज उसे तुम ढूंढ लो, इससे मैं बच सकती हूँ। ये डैनी ढूंढने के लिए गई, उसे भी मिल नहीं रहा था। पर उसके बाद ड्राई क्लीनिंग वाली घर पर आई, उसे वॉश करने के लिए लेकर गई थी। अब स्कार्फ मिलने के बाद पूरा शक डग पर जाता है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। गाड़ी में कुन से लतपत एक स्कार्फ उन्हें मिलता है और ये स्कार्फ फटा हुआ भी था। सारा मर्डर का ब्लेम ये डग पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला फ्री होके इसका सेलिब्रेशन वो डैनी के साथ कर रही थी। वो आज बहुत ही खुश थी। ये दोनों मिलकर फिर से न्यू एड पर काम कर रहे थे, तभी डैनी उसे किस करने लगती है। इजाबेला उससे दूर हो गई, कहती कि तुम ये क्या कर रही हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। डैनी इस बात से डिस्टर्ब हो गई, कहती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इजाबेला ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। डैनी ने कहा कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी ये जो स्लीपिंग पिल्स है ये फेक है, मैंने एक बार इसे गलती से ले लिया था पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिस रात क्रिस्टीन का मर्डर हुआ उस रात मैंने तुम पर नजर रखी थी, तुमने जानबूझकर बैले में फाइट की थी ताकि लोगों को लगे कि तुम वहां पर ही थी। स्टोर में जाकर तुम्हारे पास जिस तरीके से स्कार्फ था उसी तरीके से और एक स्कार्फ तुम लेकर आई। क्रिस्टीन के घर पर जाकर उसे तुमने मार दिया। स्कार्फ का एक पीस तुमने क्रिस्टीन के हाथ में रखा और दूसरा पीस ये डग के कार में। सारा कुछ तुम्हारा पहले से ही प्लान था, तुम्हें मर्डर करते हुए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अगर तुम अब मेरी नहीं बनी तो मैं सारी रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को भेज दूंगी। इसके बाद एक सेकंड में इजाबेला भी पलट गई, वो भी डैनी से आई लव यू कहती है। ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन का फ्यूनरल था। इस फ्यूनरल पर उसकी ट्विन सिस्टर भी आई हुई थी। जैसा डग ने इजाबेला से कहा था क्रिस्टीन बहुत ही मैनिपुलेटिव है, वो तुम्हें कुछ भी झूठी स्टोरी सुना रही है। ये बात सही थी,
क्रिस्टीन की स्टेप सिस्टर अब भी जिंदा थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ, OneXBet। इस वेबसाइट पर आप फ्री में लाइव मैचेस देख सकते हो, स्पोर्ट्स में बेटिंग कर भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और टेल्स ये प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हो। लिंक या प्रोमो कोड से अगर आप साइन अप करते हो तो आप जो भी डिपॉजिट करोगे उस पर 130% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। तो जाकर एक बार इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। मैं तो आपसे फ्री के मैचेस यहाँ पर ही देखूंगा। फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक रात जब डैनी और इजाबेला सोए हुए थे तो डैनी का सीक्रेट मोबाइल बजने लग जाता है। इसी मोबाइल में उसने एविडेंस छुपाया हुआ था। अगर इजाबेला को मोबाइल मिल जाता है तो उसे डैनी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। इसे वो जल्दी से ढूंढने लग जाती है, पर डैनी और उसमें इस बात को लेकर फाइट हो गई। इजाबेला ने गला घोट कर डैनी को मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेते हुए डैनी ने अपने पैर से सेंड बटन दबा दिया था। ये क्लिप पुलिस ऑफिसर को चली गई। हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की सिस्टर इजाबेला के पास आए, उसे गला घोट कर वो बेहोश कर देती है। जब क्रिस्टीन को होश आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी। डैनी की डेड बॉडी उसके पास पड़ी थी और पुलिस को सब कुछ पता है। उनके पास उसके खिलाफ सबूत भी है, इसी वजह से उसका सच सामने आ चुका है। अब उसने जो भी किया इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अगर हम इस मूवी में देखें तो डैनी, इजाबेला और क्रिस्टीना ये तीनों इविल कैरेक्टर्स थे। एक दूसरे को हर्ट करने के चक्कर में इन तीनों को भुगतना पड़ा। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।